नमस्कार, नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में आपका स्वागत है और मैं हूं आकाश। आज मैं एक ऐसे कैफ़े में पहुंचा हूं जहां एक युवती ही चाय और समोसे की कैफ़े खोल रखी हैं और जानते हैं उनसे कि आखिर ये खोलने के पीछे क्या मकसद है। आइए हम मिलते हैं अंजलि से। अंजलि जी, आपने कैफ़े खोला है? हेलो, इसके पीछे मतलब चाय समोसे कैफ़े की शुरुआत आप बोल सकते हैं सोच के साथ हुई है। और सोच ये कि मतलब कि लोग बस आते हैं और मतलब बाहर का खाना को हेल्दी नहीं समझते हैं, और इसी मिथ को तोड़ते हुए चाय समोसे कैफ़े की शुरुआत की मैंने। और चाय समोसा नाम रखने के पीछे भी यही मोटिव था मेरा, ताकि चाय समोसा जो चीज़ें होती हैं ना कि बहुत ही ईजी होता है, लोगों के दिमाग में कैच हो जाता है और रिमेम्बरेबल रहता है, तो मैंने ये नाम रखा। और इसकी शुरुआत 4 नवंबर 2021 से की थी। पहले मेरा छोटा सा सेटअप था, इसके बगल में ही बाजू में आप अभी भी होर्डिंग देख सकते हैं, और लोगों का काफ़ी प्यार और सपोर्ट मिला। यहाँ पे आपको चाय समोसा के अलावा बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं जो आपको पूरे औरंगाबाद में कहीं नहीं मिलेगी। हम लोग ने हेल्दी मील का कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया जो कि कहीं कोई नहीं देता है। हमारे यहाँ पे सैंडविचेस मिलते हैं, बर्गर्स मिलते हैं, मैगीज़ मिलते हैं और जिम डाइट मिलते हैं जो कि स्पेशली हमारे पास ही अवेलेबल है। और आपने LLB और MBA की पढ़ाई कर, ये आखिर कहाँ से ये ख्याल आया और ये जो डेकोरेशन आपने की है ये कैसे ये की हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बता दो। डेकोरेशन का आप ये बोल सकते, मुझे ना बचपन से ना मतलब कोई मतलब आई एम अ वेरी क्रिएटिव चाइल्ड, मतलब बचपन से ही कुछ ना कुछ क्रिएटिव करने की आदत थी। और ये और आपको ये जो भी डेकोरेशन दिख रहा है तो ये आपको इस पर मेरी क्रिएटिविटी दिखेगी। ये सब जो भी डिज़ाइन आप देख सकते हैं ये सब आपको कहीं पर भी कॉपी नहीं मिलेगी, ये सब ओरिजिनल आइडियाज़ हैं। और ये सारा ये मैंने मतलब ये डिज़ाइन बेसिकली ऐसे किया कि लोग यहाँ पे आए, फुल इन्जॉय करें, फुल रिलैक्स हो जाए। और मैंने एक तरह का ना आप ये देख सकते हैं सारा बैम्बू का सेटअप किया कि एक देसी चीज़ होते हुए उसमें मैंने विदेशी फीलिंग डालने की कोशिश की है। आप मतलब एक्सटीरियर देसी है बट इंटीरियर सारे आपको विदेशी ही मिलेंगे, टोटल फ्रॉम लाइटिंग टू डेकोरेशन टू पेंटिंग आपको सारी चीज़ें उसमें आपको वैसी ही मिलेगी। और कुछ अलग करने की चाह थी और कुछ अलग करने का जज्बा था, फिर आप काम करते रहते हो धीरे धीरे चीज़ें हो जाती है। एक लड़की होके आपने कैफे खोली, तो इसके पीछे लोग कुछ बोले नहीं? हाँ, परिवार वाले स्टार्टिंग में तो लोग वो बोल क्रिटिसाइज करते, स्टार्टिंग में लोग सपोर्ट नहीं करते क्योंकि लोग कोई भी ना एक सेफ ऑप्शन मतलब चूज़ करना चाहते हैं कि आपने इतनी पढ़ाई कर ली, आप इजीली जॉब कर सकते हो, तो आपको ये काम करने की ज़रूरत क्या है। उनके अकॉर्डिंग ये छोटा काम है, बट मेरे अकॉर्डिंग कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, आपकी सोच छोटी बड़ी होती है। तो मैंने ये स्टार्ट किया क्योंकि ये मेरा पैशन है, और जो आपका पैशन होता है अगर आप पैशन को अपना प्रोफेशन बना लेते हैं तो फिर आप उसमें कामयाब हो ही जाते हैं। कहीं आपने भी तो ग्रेजुएट चाय वाली को देखकर कहीं सोशल मीडिया पर फेमस होने के लिए तो ऐसा नहीं किया? नहीं, ग्रेजुएट चाय वाली आई थिंक जून से स्टार्ट किया था और मेरा 4 नवंबर 2021 से, इनफैक्ट मैं उससे पहले से कर रही हूँ, बट मैं लाइमलाइट पे नहीं थी क्योंकि आई वाज़ बिहाइंड द वॉल, तो मैं पीछे थी, मैं लोगों के सामने नहीं आती थी क्योंकि उस टाइम पे आई वाज़ डूइंग स्टडी, तो मैं नहीं चाहती थी कि लोगों को मेरे बारे में पता चले क्योंकि मेरे स्टडी का कॉलेज का रेपुटेशन का सवाल था। बट जब मेरी पढ़ाई कम्प्लीट हो गई, मेरी डिग्री कम्प्लीट हो गई, तो नाउ आई एम टेंशन फ्री, तो अब मैं इसलिए बाहर आ गई हूँ। बाकी शुरुआत मैंने उससे पहले की लेकिन मुझे रिकग्नाइजेशन नहीं मिला। अब वो जो मुझे रिकग्नाइजेशन पहले मुझे 1.5 साल पहले मिलने चाहिए थे वो मुझे आज मिल रहा है। संगीत से भी आपको लगाव है, तो 2 लाइन आप गाना गाकर सुना दें। संगीत का पल पल दिल के पास तुम रहती हो, जीवन की ठी प्यास ये कहती हो, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। थैंक यू। और लड़कियों को क्या शिक्षा देना चाहिए? लड़कियों को यही बोलूँगी कि जो तुम्हारा मन करे, जो तुम्हारा दिल करे, जिस काम में तुम बेस्ट हो वो तुम खुल के करो, चाहे लोग तुमको सपोर्ट करें ना करें, तुम पहला स्टेप तो लो। तुम अगर आगे बढ़ोगे तो पीछे पीछे तुम्हारे लोग आ ही जाएंगे। पहला स्टेप लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, आप एक फर्स्ट स्टेप तो लेके देखो लोग क्या सोचेंगे और लोग क्या कहेंगे। अगर ये भी हम ही लोग सोचेंगे तो फिर वो लोग क्या करेंगे।
जी हाँ, तो ये थी अंजलि जी जिससे अभी हम बात कर रहे थे, नवभारत टाइम्स ऑनलाइन के लिए आकाश कुमार।